देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में अल्प बारिश और इल्लियों के भारी प्रकोप से सोयाबीन की फसल चौपट होने की कगार पर है। इस बार किसानों ने डबल लागत लगा दी है, उसके बाद भी सोयाबीन की फसल में ज्यादा भार नहीं है, जिससे क्षेत्र के किसान तनाव में आ गए हैं। उधर पूर्व विधायक कैलाश कुंडल पिछले दो दिन से खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लेने के बाद उन्होंने किसानों के साथ खातेगांव SDM संतोष तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसानों को आर्थिक मदद देने की जिला प्रशासन से मांग की है। आपने सर्वे के आदेश कर दिए, जैसा मुझे बताया है, सर्वे की टीम जाएगी और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट हम देखेंगे। तो पहले भी हमारे साथ खातेगांव कन्नौज के साथ धोखा हो चुका है, इस बार धोखा ना हो उसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और कोशिश हमारी है सारे किसानों की कि हम इनकी लड़ाई को लड़ते हुए इनको जो शासन के मापदंड हैं उसके अनुसार बीमे की राशि मिले, मुआवजा मिले, राहत राशि मिले, ताकि ये अगली फसल पैदा कर सकें, अगला फसल ले सकें। अभी कुछ किसानों की भी शिकायतें आई थी, कुछ जनप्रतिनिधियों से भी शिकायतें आई थी। आज कांग्रेस वालों ने ज्ञापन दिया है कि सोयाबीन की फसल में अवर्षा के कारण और इल्ली लगने के कारण नुकसान हुआ है, जिसके लिए हमने सर्वे दल का गठन आज से तीन दिन पूर्व में कर दिया है और उनको एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अभी मीटिंग भी पटवारियों की ले रहे हैं, जल्दी से जल्दी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। SDM साहब ने सर्वे के आदेश कर दिए, जैसा मुझे बताया है, सर्वे की टीम जाएगी और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट हम देखेंगे।